किसी रास्ते पर से चार लड़कियां जा रही हों, तो फिर कभी आपने नोटिस किया है कि चार लड़की में से हमारी जो नज़र है वो किसी एक लड़की की तरफ जाती है या फिर दूसरी लड़की की तरफ जाती है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जो है ना, वह हर स्त्री के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम हर स्त्री के ऊपर आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में कभी आपने विचार किया है? ऐसा ही विचार मेरे भीतर आया था, फिर मुझे इसका उत्तर भी मिला, और इसका उत्तर ये था, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका उत्तर ये है कि ना, हम सभी का जो शरीर है वह परमाणुओं से बना हुआ है। परमाणु का मतलब कि ये है कि हम सब ने सुना होगा कि हमारा शरीर जो है वह एनर्जी से बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के भीतर जो सेल हैं, और उन सेल के भीतर भी जो परमाणु हैं, यानी कि जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से बना हुआ है। तो फिर हम सबका जो शरीर है वह उस ऊर्जा से बना हुआ है, और हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है वह ऊर्जा से ही बना हुआ है, और ऊर्जा की वजह से ही हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई स्त्री पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होता है, या फिर कोई पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फिर अट्रैक्ट तभी होते हैं जब दोनों के परमाणु समान हो रहे हों, यानी कि जो दोनों के परमाणु की जो गुण हैं, वह जो परमाणु जब आपस में मेच खाते हैं, यानी कि आपस में जब मेल खाते हैं, तो ही स्त्री का पुरुष की तरफ या फिर पुरुष का स्त्री की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये मेन बात जो है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो सारा खेल होता है ना, ये एनर्जी का होता है। जिसके भीतर जिस तरह की एनर्जी होती है, और उसी तरह की एनर्जी ऐसी यदि किसी दूसरे जेंडर में पाई जाती है, तो फिर ही उन दोनों के बीच जो है वह अट्रैक्शन होता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मुझे अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता जा रहा हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये नहीं, ये स्त्री मुझको पसंद है, या फिर ये पुरुष नहीं बल्कि ये पुरुष मुझको पसंद है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब आपके जो परमाणु की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी किसी दूसरे परमाणु के भीतर पाई जाएगी, तो ही आप दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है। यानी कि कोई स्त्री है, उसके भीतर के परमाणु आपके भीतर के परमाणु से मैच खा रहे हैं, तो ही आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। ये एक सीधा साधा सा विज्ञान है, इसके भीतर और गहराई में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन मुझे उसके बारे में और अधिक पता नहीं है। तो फिर यही बात है कि हम किसी स्त्री की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि उसके भीतर के जो परमाणु हैं, हमारे भीतर परमाणुओं की बहुत ही ज़्यादा संख्या है, अरबों खरबों में हमारे शरीर के भीतर जो हैं परमाणु विद्यमान हैं। तो फिर हम किसी स्त्री की तरफ अट्रैक्ट तभी होते हैं जब हमारे शरीर के परमाणु उसके शरीर के परमाणु से मैच खाते हैं। पहले मैं ऐसा सोचता था कि मुझे ये स्त्री अट्रैक्ट नहीं लगती है, या फिर मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं सोचता था कि किसी स्त्री की तरफ तो अट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन किसी स्त्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, इसकी क्या वजह है। फिर बाद में मैंने जो समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य नामक जो पुस्तक पढ़ी थी, उसमें मैंने दादा भगवान से सुना था कि वह कहते हैं कि परमाणुओं के बीच जब वो समान गुण पाए जाते हैं, तभी कोई स्त्री पुरुष की तरफ या फिर पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने की दूसरी मुख्य वजह ये भी होती है कि हमारे शरीर के भीतर जो प्राण शक्ति है, यानी कि जिसके भीतर प्राण की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह उतना ही अधिक अट्रैक्टिव होगा। अब जैसे कि स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने प्राणायाम के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को बहुत ही अधिक बढ़ा लिया, तो फिर अब जो स्वामी विवेकानंद हैं वह सबको अट्रैक्ट करेंगे। कोई भी स्त्री उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, कोई भी पुरुष उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके भीतर जो है वह प्राण शक्ति की मात्रा, प्राण की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ी हुई है। यानी कि इस समाज में जिस स्त्री के पास या फिर जिस पुरुष के पास प्राण की मात्रा भी यदि बढ़ी हुई होगी, बहुत अधिक प्राण की मात्रा बढ़ी हुई होगी, तो फिर भी वहाँ पर अट्रैक्शन होता ही है। कब कब, जब जब जिस व्यक्ति के भीतर या फिर जिस स्त्री के भीतर प्राण की मात्रा कम होती है, तो फिर वहाँ पर अट्रैक्शन कम होता है। जैसे जैसे हमारा बुढ़ापा आने लगता है, हमारे भीतर जो है प्राण की शक्ति कम होने लग जाती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमको 40 साल की स्त्री पसंद नहीं आती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या फिर 50 साल की स्त्री जो है, यानी कि 50 साल की जो बूढ़ी औरत है, वह मुझको पसंद नहीं आती है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। इसकी मुख्य वजह यही है कि वहाँ पर प्राण की मात्रा जो है वह कम है, क्योंकि अब 50 वर्ष हो गई है, और ऐसी आयु में आते आते जो है प्राण की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए किसी स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होने की दो ही वजह होती हैं। पहला यह कि
हमारे शरीर के भीतर के जब परमाणु उस स्त्री के परमाणुओं से मैच खाते हैं तो फिर वहाँ पर अट्रैक्शन अधिक होता है, और जिसके भीतर प्राण की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर भी अट्रैक्शन अधिक होता है। आपने देखा होगा कि कोई स्त्री है, वह बहुत ही सुंदर लग रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके भीतर प्राण की मात्रा बढ़ी हुई है। अब वही स्त्री यदि बीमार हो जाती है, 5, 7, 10, 15 दिनों के लिए बेड रेस्ट के लिए चली जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, तो फिर उसकी प्राण की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वह बीमार है और बीमारी की वजह से जो प्राण की शक्ति है वह उसको ठीक करने में लगी हुई है, और जिस वजह से प्राण की शक्ति की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह स्त्री कितनी वीक हो गई है, पहले यह कितनी सुंदर लग रही थी या फिर पहले कितनी हॉट लग रही थी। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले उसके भीतर प्राण की मात्रा अधिक थी, लेकिन अब बीमारी की वजह से वह जो प्राण की मात्रा है वह खर्च हो गई है, इसलिए वह स्त्री अब सुंदर नहीं लग पा रही है। तो यही वजह होती है कि हम स्त्री की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। वह इसीलिए होते हैं कि हमारे परमाणु जो है वह उसके परमाणु से मैच खा रहे हैं, या फिर उसके भीतर प्राण की मात्रा बहुत ही अधिक है।